भीमराव है अमर, वो भीमराव है अमर, वो कायदे का मुक्तदा लोकशाही का जिगर, वो भीमराव है अमर, वो भीमराव है अमर। हजारों साल से अछूत चल रही थी जिंदगी, दिखाई भीम ने अकड़ कलाई उसकी मोड़ दी, शरण में दुख के आ गया दुखे दिलों का चारा घर, वो भीमराव है अमर, वो भीमराव है अमर। अम्बेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित बहुजन अगाड़ी दो दाता मिशन का सभा शमशेर प्रधान जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम पर बुलाया और चीफ गेस्ट यहाँ पर बनाया। पिछली इलेक्शन में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। इस मिलन में मेरे ख्याल से कुछ कड़वी बात मैं कहना चाह रहा हूं, वो हकीकत और मेरे ख्याल से उस पर आप लोगों ने गौर करना जरूरी है। मुस्लिम समाज को ऐसा लगता है कि वो ही अकेले आरएसएस के खिलाफ लड़ रहा है लेकिन ये हकीकत नहीं। हम लोग भी लड़ रहे हैं, वो आरएसएस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। वो आपके लिए लड़ रहे हैं तो होगा तो मैं कहूंगा गलत है। मैं अपने हिफाजत के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने हिफाजत के लिए। अरे ये संविधान नहीं रहा तो मेरी अपनी पर्सनैलिटी नहीं रहती है, मेरी खुद की आजादी जो है वो खतरे में आती है। जिस कौम से मैं आया हूं उस कौम की गुलामी मेरे सामने आती है। कई सालों बाद बाबा साहब की कोशिश के बाद ये गुलामी उन्होंने खत्म की और उनको आजादी दी। आज ये जो लड़ाई है ये लड़ाई में समझता हूं कि हम लोग की आजादी बरकरार रखी। बाबा काजी बहुत पुराने विद्वता है लेकिन आपकी व्यवस्था और उनकी व्यवस्था सनकी है, उसमें कोई अंतर नहीं। बाबा काजी उन्होंने एक बार लिख दो बार कोशिश की कि वो कांग्रेस के टिकट पे यहां की एमएलटी की टिकट ले, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के साथ भी उनको बिठाया, वो भी उनकी चाहत हो गई। लेकिन आपके दिल में जैसे डर है वैसे काजी के दिल में भी डर। ये डर से आपको भी डरना, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि वे आपके साथ है, आपके साथ रहे, आपकी हिफाजत करें। लेकिन अगर आप भी डर के मारे अगर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तक मैं मुस्लिम समाज की समस्या समझ सकता हूं, वो खुद ही अपनी एक समस्या है। उसके दिल में कुछ बातें हैं लेकिन कहने से डर रहा है, करने से डर रहा है। ये मुल्क आजाद है, आजाद रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। जो इतिहास है उस इतिहास को हम लोगों ने कहीं ना कहीं भूलना चाहिए। ये बात हमेशा कहीं ना कहीं तो भी आती है। इंडिया पार्टीशन हुआ, मैं मुझसे हमेशा कहता हूँ पार्टीशन की जगह जिसको जाना था वो है, जिनको यहाँ रहना था वो एक है। ये बड़ी खुशी के साथ हम लोगों ने कहना चाहिए क्योंकि हमको जब फैसला करने का मौका मिला तो हम लोग फैसला करेंगे।
कि भारत के साथ मिले और ये खुले दिल से खुली ताकत के साथ अगर हम रहेंगे तो शायद मैं समझता हूं कि आपके साथ में कई लोग खड़े हुआ शुरुआत। उन्नीस सौ नब्बे में जनता दल के वक्त में एक सेक्युलर प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ लेकिन उसको हम लोग बरकरार नहीं पाए। 13 महीने चले उसके बाद में चले गए और फिर वही वही परिस्थिति जो वहां पर चली गई। जब तक सोशलिस्ट थे तब तक मार्क्सिस्ट थे, इंसानियत की पार्टियां थी, तब तक एक सेक्युलर पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म मिलता था। लेकिन जैसे उम्र हो गई और कार्यकर्ताओं की ताकत कम होते गई वैसे वैसे ये प्लेटफॉर्म भी खत्म होते गए। मैं आज गांधी साहब से आते आते उनसे वही पूछा कि ये जो संगठन के जो ट्रस्टी बने हैं राष्ट्र सेवा दल, ये सोशलिस्टों का बैकबोन था। जिस तरह कांग्रेस का सेवा दल एक बैकबोन था उसी तरह सोशलिस्टों का ये एक बैकबोन था और ये राष्ट्र सेवा दल का एक ही काम था कि इंसानियत, भाईचारा, एक दूसरे की इज्जत करना, उसका प्रचार विद्यार्थियों में। यंग जनरेशन जो है उनमें इस बातों को फैलाना और उनकी मानसिकता धर्मवाद की तरफ न जा, ये इसके देखने का काम था। और आज मैं समझता हूं कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि देवी प्रसाद जो है एक बड़े अच्छे सोशलिस्ट विचार सर दिए हैं, बहुत सारी किताबें होंगी, काफी बड़ी कोशिश उन्होंने इस बीच में कहा कि कांग्रेस पार्टी से कहे कि वो सबके साथ समझौता करे, लेकिन उनकी बात कभी किसी ने सुनी नहीं। इंटरनेशनल रिनाउंड व्यक्ति है वो। मैं समझता हूं कि दोबारा ये जो यंगर जनरेशन में रुकाव करने की एक जरूरत है, वो जरूरत मैं क्या से दोबारा यहां पर शुरुआत होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्योंकि जब तक हम लोग एक विचारधारा को लेकर जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक लोगों की मानसिकता वहां पर बनेगी नहीं। क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट जब होता है, वैक्यूम जब होता है, तो उसमें कई लोग घुसने की कोशिश करते कि जो आज हम लोगों को यहां पर दिखाई देता है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि हम लोगों को यहां पर जिस तरह हम लोग भाईचारे की बात करते हैं उस तरह मैं समझता हूं कि आइडियोलॉजी की भी बात होना जरूरी है। हम लोग अगर आइडियोलॉजी की बात नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये मिलना जुलना जो है उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा मान लो हम खाली ये कहेंगे कि मैंने हिंदुओं को बुलाया, मैंने क्रिश्चियनों को बुलाया, मैंने बुद्धिस्टों को बुलाया, मैंने ईसाइयों को बुलाया, मैंने इनको बुलाया, एक बड़ा मसला हो गया, तकलीफ हो गई, सब कुछ हो गया, आपस में आए, मिले जुले, खाए पिए और चले गए, नतीजा क्या है? जीरो। मैं इस तरह से कहता हूं कि हम लोग जब कॉलेज में थे 70 की बात कर रहा हूं, इलेक्शन से थे, उस इलेक्शन के वक्त विद्यार्थी जो है वो अपना चॉइस करे, मैं कम्युनिस्ट के जाऊं, मैं सोशलिस्टों के जाऊं, मैं स्वतंत्र पार्टी उस वक्त थी स्वतंत्र पार्टी के साथ कांग्रेस के पास जाऊं या 3-4 सोशलिस्टों के ग्रुप थे उनके साथ के जाऊं, उसका वो चॉइस होता, उसकी एक विचारधारा बनती और वो विचारधारा के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारता था। कहीं भी उसमें मैं समझता हूं कि ये जो धार्मिक विचारधारा जो है उसके अंदर कहीं दिखाई नहीं दे, क्योंकि आइडियोलॉजी के तरह से उसकी ग्रूमिंग होती थी। और मैं समझता हूं कि समाज के अंदर
अगर दोबारा वो परिस्थिति हम लोग को ले आनी है तो आइडियोलॉजिकली हमको कुछ चीजों को समझना होगा, कुछ चीजों को ले आना होगा, ये जिम्मेदारी ऐसा मैं मान के चलता हूं। वही दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि पिछले 22 सालों से मैं देखा ये जो सेक्युलर विचार के जो लोग या इस देश में जो सेक्युलर पनप रहा है, इनको किसी ने मौका नहीं दिया, ना कई प्लेटफॉर्म खड़ी करने की कोशिश हुई। और इसलिए ये जो सेक्युलर विचार का जो आदमी है ये पिसता है। और उसके पीसने की वजह से जो धार्मिक ताकतें हैं उस धार्मिक ताकतों की वजह बढ़ती गई और आज ये दिखाई देता है कि सेक्युलरिज्म इस देश के खतरे में आ चुका है। अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो शायद मेरे ख्याल से ये जो रिएक्शनरी ताकत है, ऐसे मैं कहता हूं, वो हावी हो जाएगी। और हावी होने के बाद मैं समझता हूं कि वो क्या करेंगे इसमें हम लोग पता नहीं सकते। हम लोग कितना भी कहेंगे हम लोग लड़ने के लिए दिया, हम लोग कितना भी कहेंगे ये इनके वैचारिक लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग जब तक हकीकत नहीं समझते तब तक मैं समझता हूं कि हम लोग इससे लड़ नहीं पाए। मुझे 2-4 सालों में ये दिखाई देता है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों की ताकत जो है वो कमजोर होती जाएगी। कमजोर इसलिए नहीं होगी कि लोग उनके साथ में आने के लिए तैयार नहीं है, कमजोर इसलिए होगी कि जो हेल्प ऑफ अफेयर्स बैठे हैं, जो हुकूमत करके बैठे हैं वो है, उनकी असलियत क्या है हम उसके लिए नजरअंदाज करें। उस हकीकत को हम पहचानने के लिए तैयार हैं। अगर उस हकीकत को हम लोग ने पहचान दिया तो मैं समझ सकता हूं हमको रास्ता मिलेगा। उस हकीकत को हम लोग अगर पहचानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं समझता हूं हकीकत क्या है। हकीकत यह है, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं, उत्तर प्रदेश में हम लोग ने जोर जबरदस्ती करके एसपी बीएसपी का समझौता करवाया। ये बात सही थी कि हम लोग अपनी तरफ से कहे दूसरी तरफ से हाँ था हो गए, एक से जैसे ही हुआ दोनों अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग हो गए? इकट्ठा लड़े इकट्ठा कहते ये सब कुछ किए फिर भी दिक्कत क्यों हुआ? हम लोग अपनी विरोधियों की वो चाल जो है वो हम लोग देखते रहे। विरोधियों की ये चाल रही कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मुलायम सिंह और अखिलेश के कांग्रेस के जमाने की जो केसेस थी जिसको प्रोपोर्शनल केसेस थे वो बड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें तो तथ्य नहीं कुछ भी नहीं है, इसलिए हमको डिसमिस करते और उनको फ्री करते। मायावती जी पर भी वो डिस्प्रोपोर्शनल केसेस लगे हुए हैं। अब हर कोई व्यक्ति ये ख्वाहिश रखता है कि अब उसके अगर खत्म हुए तो मुझे भी खत्म हो गए। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जैसे देखा कि ये नई सरकार आई है, नई सरकार से छुटकारा पाना है तो इसको ही ब्रेक करो और अपनी हिफाजत करो। इस बात को अगर हम लोग नजरअंदाज करते जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम लोग गुमराह हैं। वैज्ञानिक राजनीति इस देश में पूरी तौर से चल वो प्रयोग हमने भी किया। ये कहा कि भैया ये जो प्राइम मिनिस्टर को मारने का जो चक्कर है इसमें हम भी है, तो मैंने कहा पकड़ लो भाई, हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। मैं कहूंगा ऐसे फकीर
40 साल पूरे देश में घूमता रहा, जहां मिले वहां सोता रहा। तो मैंने कहा आप जेल में जाके सोऊंगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वहां से भी जो करना है वहां से मैं करता रहूंगा। सवाल ये है, डेमोक्रेसी के नाम से अगर जिसने हिटलर अध्ययन किया हो, और मैं मुस्लिम समाज से गुजारिश करूंगा कि आप हिटलर को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करें। उसकी वजह यह है कि हिटलर एक नाम नहीं है, ये हिटलर एक सिस्टम है। डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप की ओर कैसे ले जाए, डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप की ओर कैसे ले जाना, ये डिक्टेटर की जो सिस्टम है ये सिस्टम हिटलर ने शुरुआत की, और इसलिए उसको हिटलर के नाम से जाना जाता है। आज इस देश में डेमोक्रेसी के नाम से तानाशाही की व्यवस्था की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग पूछे नहीं यहां पर इंडिया ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या, तो मैं कहूंगा नहीं। मैंने जैसे कहा कि 22 साल के बाद इस देश का जो सेक्युलर मिजाज है, उस सेक्युलर मिजाज को वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म मिला। साल भर का प्लेटफॉर्म था, और साल भर के प्लेटफॉर्म को उन्होंने लपक लिया और इस इलेक्शन में बता दिया कि भैया आप कितना भी धार्मिक प्रचार करते रहो, हम लोग सेक्युलर है, इस सेक्युलर संगठन के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, शायद इनके पास हो या पास। ये जो सवाल सबके जहन में था कि यहां पर सेक्युलर व्यक्ति है या नहीं है, इस इलेक्शन के माध्यम से उन्होंने ये दिखा दिया कि इस देश में सेक्युलर व्यक्ति है। वो सिर्फ नाम से सेक्युलर नहीं है, वो अपने कर्तृत्व से वो सेक्युलर है, उसने लिखा। इतिहास की जीत में यहां जो सेक्युलर हिंदू मोर्च जो है उसकी काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी ताकत है। उन्होंने ये भी देखा कि इतिहास के साथ में 5 और मुस्लिम कैंडिडेट हैं, इस बात को किसी ने गौर नहीं किया। इतिहास के खिलाफ 5 और मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस वालों ने खड़े किए, सत्तार भाई थे, सत्तार भाई को उन्होंने समझा दिया कि इतने साल एजेंसी हो एजेंसी रही है, बैठे सुन ली बात। लेकिन 5 और थे वो सुनने के लिए तैयार, उन 5ों ने जो है वो करीब करीब 40,000 लिखा। अब मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि हम लोग एक मिनट हम किसके साथ चुके, ये सबसे बड़ा सवाल। इसलिए मैंने कहा कि आइडियोलॉजी जो है वो सबसे बड़ी बात है। इस देश में एक स्टेट के माध्यम से मैं कहूं कि सेक्युलर विचारधारा अब भी जिंदा है, वो धर्मवादियों के साथ लड़ने के लिए तैयार है। क्या हम लोग उनके साथ जाएंगे, उनको मदद करेंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, तो शायद हो सकता है कि इस देश में दोबारा सेक्युलर ताकतों, सेक्युलर व्यक्ति और सेक्युलर ताकतों की जो है वो विजय हो। इसलिए मैंने कहा कि यहां पर एक आइडियोलॉजी है, सेक्युलरिज्म एक आइडियोलॉजी है। अब तक हम लोग ये मानते थे कि सेक्युलर की आइडियोलॉजी लेकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी खत्म हो गई, ये बात सही थी, मैं नहीं बात कर। लेकिन मौका जब मिला तो यहां इस देश का जो सेक्युलर व्यक्ति है उसने अपने आप को अलग करके एक अपनी एक ताकत बढ़ा दी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। इस मिलाप के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करना हूं, बेनती करना हूं कि इस ताकत को जो है हमको आगे बढ़ाना है, इसको ही हमको ताकत देना है, चाहे वो जीते या हारे। यहां की सेक्युलर ताकतें फेल क्यों,
यहाँ की सेक्युलर दांतें फेल क्यों हुई? सेक्युलर दांतें फेल इसलिए हुई कि हम लोग ने ये सोचा कि मेरा वोट जाहिर नहीं होना चाहिए, जो जीता है उसके लिए जाना चाहिए, और जो विचारों के साथ हम लोग के साथ में था उसको हम लोग ने नजरअंदाज करवा दिया, किनारे लगा दिया। बुजुर्ग होते होते वो लड़ता रहा लेकिन वो नई टीम बनाते नहीं, मतलब बनने के लिए उसको मौका ही नहीं मिला, कि उसको तानिशाही मिलती रही कि आप जिंदगी भर लड़ते रहे आपको मिला नहीं। और इसलिए इस मिलाद को प्रोग्राम के वक्त में आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ये जो सेक्युलर ताकत इस देश में दिखाई दे रही है इसके साथ में हम लोग जुड़ना चाहिए, इसको ही हम लोग ताकत देना चाहिए, चाहे जीते या हारे। जीत हार जो है डेमोक्रेसी में मायना नहीं रखती, जीत हार ये जो है सरकार चलाने के लिए है। लेकिन इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म अगर जिंदा हम लोग को रखना है तो हम लोग को यह दिखाना होगा कि यहाँ 40%, 30%, 22%, 27%, 28% इस देश का जो मिजाज है वो सेक्युलर मिजाज है, वो आज भी बरकरार है। इसको हम लोग जब तक देख रहेंगे तब तक मैं समझता हूं कि संविधान और सेक्युलरिज्म दोनों जिंदा यहाँ पर रहेंगे। अगर सरकार के हम लोग राजनीति करते रहेंगे तो दोनों को हम लोग जो है वो शहीद करेंगे ऐसी तरह। इसलिए दोबारा शमशेर जी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, आपके सामने अब बात रखने का एक मौका दिया। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे बता लेता हूँ।